नमस्कार, मैं आपके साथ नीलम और आप देख रहे हैं एनपीयू न्यूज। चलिए चलते दिन भर की फटाफट खबरों की ओर। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के लिए आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। आज से 3 मार्च तक महाराष्ट्र की यात्रा करेंगे उद्धव ठाकरे। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.6 की तीव्रता। तुर्की में भूकंप के झटकों के बाद अब तक 32 और आफ्टर शॉक महसूस किए गए। ब्राजील के तटीय इलाकों में भारी बारिश से कम 36 लोगों की मौत। सऊदी क्राउन प्रिंस के इस कदम पर भड़के मुसलमान, बोले ये नया काबा बना रहे। ऋषिकेश के होटल में मिली युवक युवती की लाश, जहर खाकर फांसी लगाने का अंदेशा। पाकिस्तानी लड़की ने भारतीय लड़के से की सगाई, बहन का ट्वीट वायरल। जम्मू कश्मीर के डोडा में 3.4 तीव्रता का आया भूकंप। कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह के घर में ईडी खत्म जांच। आयरलैंड को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय टीम महिला। हिमाचल में कल से शुरू हो जाएगा अडाड़ी सीमेंट प्लांट में काम, विवाद के बाद हुआ था बंद। पाकिस्तान के फंडिंग मामले में इमरान खान की जमानत याचिका हुई मंजूर। न्यूयॉर्क से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट लंदन के लिए डायवर्ट। तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन में गए एनडीआरएफ के जवानों से मिले पीएम मोदी। पुलिस रेड में कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके से भात्रा में कैश बरामद। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पूरे देश में अल्पसंख्यक बन गई है, बोले अमित शाह। पृथ्वी शॉ मामले में सपना मील को दी गई जमानत। यूक्रेन को $5.5 बिलियन की आर्थिक सहायता करेगा जापान। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, बोले यूक्रेन को एयर सर्विलांस रडार देंगे। पीलीभीत में भाई ने की बहन के प्रेमी की हत्या, लाश को 5 फीट गहरे गड्ढे में दफनाया। केएल राहुल पर फिर बरसे वेंकटेश प्रसाद, बोले इंदौर में परफॉर्म करो। ऋतिक दिलजीत से कंगना की पुरानी दुश्मनी, पूछा दोनों में कौन फेवरेट। पठान की जासूसी से नहीं भरा मन तो द नाइट मैनेजर में मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट। पठान की आधी में ढेर हुआ शहजादा, नहीं मिल रही ऑडियंस। शाहरुख खान के आगे नहीं चले कार्तिक। पटाखा कांड में मृतकों के परिजनों ने दिया धरना, विधायक उमेश कुमार धरने पर बैठे। अपने 2 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा। दारमा में बन रहे बांध का स्थानीय लोगों ने किया भारी विरोध। बर्फबारी न होने से सेब बागवानी कर रहे काश्तकारों को हो सकता है नुकसान। राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के निस्तारण की गति बढ़ाने का आदेश जारी। फायर सीजन शुरू होते ही उत्तराखंड वन विकास निगम ने किया मॉक ड्रिल। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के बयान से गरमाई सियासत। हरिद्वार कप्तान अजय सिंह ने तमाम व्यवस्था देखते हुए थाना सिटकुल का लिया जायजा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं चारधाम यात्रा तैयारियों की बैठक। प्राधिकरण पर हुई बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से व्यायामशाला पर बनाई गई दुकान को किया ध्वस्त। गणेश जोशी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेसियों ने फूका पुतला। मंगल बाजार के विरोध में व्यापारियों ने किया धरना प्रदर्शन। मातृभूमि सेवा पार्टी की न्याय यात्रा पहुंची कोटद्वार। 50 लाख की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। पीसीएस मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों को निःशुल्क बस सेवा।